श्री परमात्मने नमः। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान चरति निष्प्रियः निर्ममः निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय, विहाय अर्थात छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, सर्वान यानी समस्त, निष्प्रिय यानी इच्छा रहित, निर्ममः ममता रहित, निरहंकार अहंकार शून्य, शांतिम पूर्ण शांति, अधिगच्छति यानी प्राप्त होता है। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ रहता है, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। स्थित प्रज्ञ की शांति के आधार क्या हैं? इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में 5 बातें बताई गई हैं। एक तो यह कि वह संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, परंतु प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थितियों में जो भी कर्तव्य धर्म संगत होते हैं, उनको वो निरासक्त भाव से पूरा करता चलता है। दूसरी बात यह है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष सांसारिक कर्तव्य को भली प्रकार करते हुए भी अपने चित्त को भगवान की ओर लगाए रहता है। तीसरी बात यह कही गई है कि ऐसा पुरुष निष्प्रिय होता है, अर्थात सांसारिक भोगों को देखते हुए भी उसके मन में उन भोगों को प्राप्त करने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती। चौथी बात यह है कि ऐसा मनुष्य ममता रहित होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसके हृदय में प्रेम नहीं होता। सबके प्रति प्रेम होते हुए भी वो किसी से मेरेपन का या आशा का संबंध नहीं रखता है। वो किसी से ममत्व न रखकर सबके प्रति अपनत्व का भाव रखता है और यथासंभव उनकी धर्म संगत आशाओं को पूरा करता चलता है। पांचवी बात यह है कि ऐसा मनुष्य अहंकार रहित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वो किसी क्रिया को करते समय या अपने आप प्राप्त होने वाले भोगों को भोगते समय कर्ता या भोक्ता का भाव नहीं रखता, बल्कि यह समझता है इस प्रकार ऐसा करना ही कर्तव्य है। उसके मन से अहंग भाव निकल जाता है और उसके स्थान पर सबके प्रति समभाव आ जाता है। ऐसा ही मनुष्य संसार की उथल पुथल में रहते हुए भी हर समय शांत रहता है और उसका चित्त विक्षेप से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो तात्पर्य इसका यह है कि निष्प्रिय होने का जो अर्थ है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न रखना, ऐसा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता ही है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना ही कृष्णा भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्णा तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम्,
अर्थात ये सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण का ही है। अतः वो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। इस प्रकार स्थित पुरुष के जो लक्षण हैं, उसके आचरण और उसके मन की दशा का वर्णन करने के बाद यह बताते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए ये एक कितना महत्वपूर्ण है और महान उपलब्धि है। ये बताते हुए आगे का जो आखिरी श्लोक है सांख्य योग का, वो बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनं प्राप्य विमूयति, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋष्यति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर वो मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति को प्राप्त होता है तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। स्थित प्रज्ञ को ब्रह्मानंद की प्राप्ति क्यों माना जाता है? इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष को केवल संसार में शांति प्राप्त हो जाए इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होकर ब्रह्मा से एक हो जाता है। ब्रह्मा का मतलब यहां ब्रह्म से है। ऐसे पुरुष को मोह की छाया भी नहीं छू पाती। यही नहीं, जब ऐसे मनुष्य के शरीर का अंतकाल आता है तो वो ब्रह्म में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। संसार के थपेड़े खा खा कर साधारण मनुष्य सारा जीवन परेशानी और चिंताओं में ग्रस्त रहकर व्यतीत करता है और शरीर का अंत हो जाने पर भी शांति को न प्राप्त होकर सदैव के लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। परंतु जिस मनुष्य ने अपने को साध कर भगवान का आश्रय लेकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति प्राप्त कर ली, वो संसार की उथल पुथल में अत्यंत शांत रहता है। उसका चित्त सदैव ब्रह्मानंद से आनंदित रहता है और शरीर का अंत होने पर भी वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन की उपलब्धि और क्या हो सकती है? तात्पर्य यह है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हुए इंसान को खुशी क्यों ना मिले भला? अब भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना।
भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्रह्म स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना जाता है। सगुणान समति तत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। और इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय सांख्य योग समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, तुम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।